हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 7 कृषि एवं संबद्ध सेवाओं पर। देखिए, कृषि एवं संबद्ध सेवाओं का मतलब क्या होता है? कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आपके फसल क्षेत्र, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी, ये सभी आते हैं। इन सभी को कंबाइन रूप से कहा जाता है आपकी कृषि एवं उसकी संबद्ध सेवाएं। ठीक, देखिए, ध्यान समझते हुए चलिएगा। अध्याय 7 कृषि एवं संबद्ध सेवाएं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर हम देखेंगे फसल क्षेत्र का जीएसडीपी 2019-20 में स्थिर कीमतों पर भागीदारी कितनी है। स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत क्या होते हैं, ये हम पहले देख चुके हैं। जो भी आंकड़े आज हम देखेंगे वो सभी के सभी आपके स्थिर कीमतों पर है। तो देखिए, फसल क्षेत्र का जीएसडीपी में यानी कि छत्तीसगढ़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इस फसल क्षेत्र की 2019-20 में भागीदारी कितनी अनुमानित है। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ का जो जीडीपी का आकार है, हमारे छत्तीसगढ़ के जीडीपी का आकार है आपका 243,476 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ के कुल जीडीपी का आकार है 243,476 करोड़ रुपए। तो इस 243,476 करोड़ रुपए में से आपका 2344,656 लाख रुपए आपके फसल क्षेत्र की भागीदारी है। देखिए, छत्तीसगढ़ के जीडीपी का आकार है आपका 243, पूरे के पूरे जीडीपी का आकार है आपका 243,476 करोड़ रुपए। तो इस 243,476 करोड़ रुपए में से आपका 2344,656 लाख रुपए की जो आपकी भागीदारी है वो फसल क्षेत्र की है। तो ये जो आपका ये जो फसल क्षेत्र की जो भागीदारी है, ये हमारे कुल जीडीपी के आकार का, प्रदेश के कुल जीडीपी के आकार का 10.19% जो हिस्सेदारी है वो फसल क्षेत्र की है। यानी कि जो आपका हमारे जीडीपी का आकार है 243,476 करोड़ रुपए, उसमें से 2344,656 लाख रुपए फसल क्षेत्र का है। तो इस 2344,656 लाख रुपए के साथ इस फसल क्षेत्र की भागीदारी हमारे प्रदेश के कुल जीडीपी में आपका 10.19% है, 10.19% इसकी भागीदारी है। देखिए, इसकी वृद्धि दर है आपका 2.05%, 2.05%। यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में इस फसल क्षेत्र में आपके 2.05 यानी कि 2.05% की वृद्धि हुई है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये आंकड़े पूछे जाते हैं, हिस्सेदारी को याद रखिएगा, परसेंटेज को याद रखिएगा। देखिए, हमारे प्रदेश में कृषक परिवारों की संख्या, हमारे प्रदेश में कृषक परिवारों की संख्या है आपका 37.46 लाख कृषक परिवार, 37.46 लाख यानी कि लगभग 37.5 लाख के आसपास हमारे प्रदेश में आपके कृषक परिवार मौजूद है। किसान नहीं, किसानों का परिवार मौजूद है। 37.46 लाख कृषक परिवार हमारे प्रदेश में मौजूद है। इन 37.46 लाख कृषक परिवारों में से 76% 76% आपके लघु एवं सीमांत कृषक है। कृषक जो आपके किसान जो है उनकी अलग अलग श्रेणियां होती है, लघु कृषक, सीमांत कृषक, मध्यम कृषक, दीर्घ कृषक। तो ये जो आपके 37.46 लाख जो किसान परिवार है, उसमें से 76% आपके लघु एवं मध्यम कृषक वर्ग यानी कि उनके श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 76% आपके लघु एवं सीमांत कृषक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, जैविक खेती योजना। जैविक खेती योजना क्या होती है? जैविक खेती का मतलब देखिए, कोई किसान अगर अपना खेती करता है, खेती किसानी करता है, या कोई आपका फसल बोता है, तो उस फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए वो रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करता है, रासायनिक उर्वरकों, खाद, कीटनाशकों का प्रयोग करता है, ताकि उसकी फसल सुरक्षित रहे और फसल की सुरक्षा के साथ साथ उसके पैदावारों में वृद्धि हो। तो रासायनिक उर्वरकों, खाद और कीटनाशकों के प्रयोग करने से कृषि उपज में वृद्धि तो होती है, लेकिन इन रासायनिक पदार्थों के उपयोग किए जाने के कारण मानव स्वास्थ्य पर आपकी हानि पहुंचती है। ठीक है, मानव स्वास्थ्य के लिए, मानव सेहत के लिए ये रासायनिक पदार्थ हानिकारक होते हैं। तो इसके लिए हमारे प्रदेश में चलाया जा रहा है आपका जैविक खेती योजना। जैविक खेती योजना, इस जैविक खेती योजना के अंतर्गत आपके रासायनिक पदार्थों का प्रयोग कम या पूर्णतः प्रतिबंधित करके जैविक उर्वरकों, जैविक उर्वरकों, जैविक खाद, जैविक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, जैसे कि आपके जैविक उर्वरकों का मतलब, जैसे कि आपके वर्मी कंपोस्ट, जो आपके गोबर को सड़ा करके जो खाद बनाए जाते हैं, तो ऐसे आपके जैविक पदार्थों का प्रयोग करके कृषि उपजों में वृद्धि का प्रयास किया जाएगा, यह कहलाता है आपका जैविक खेती योजना। तो जैविक खेती योजना का क्या क्या कॉन्सेप्ट है कि रासायनिक पदार्थों यानी कि रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग को कम या पूर्णतः प्रतिबंधित करके जैविक खेती को बढ़ावा देना। देखिए, हमारे प्रदेश में जो है आपके
पांच जिले ऐसे हैं जिसे पूर्ण जैविक जिले के रूप में घोषित किया जा चुका है, पूर्ण जैविक जिला के रूप में इसे घोषित किया जा चुका है। यानी कि इन पांच जिलों में किसी भी प्रकार की खेती करने के लिए किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों का प्रयोग नहीं होता। वो पांच जिले कौन कौन से है? सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, आपका गरियाबंद। सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और गरियाबंद, ये पांच जिले ऐसे हैं जिसे पूर्ण जैविक जिले के रूप में घोषित किया जा चुका है। देखिए आया हुआ प्रश्न है, प्रश्न क्या पूछा गया था कि हमारे प्रदेश में जैविक जिलों की संख्या कितनी है? पांच। एक साल प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा एक जिला जैविक जिला नहीं है, तो उसमें से चार ऑप्शन दे दिया था आपका सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और एक दे दिया था आपका उधर से दे देगा आपका कोरबा दे देगा या कोरिया दे देगा। तो ध्यान दीजिएगा कि आपके जैविक जिले के रूप में पांच जिले हैं, कौन कौन से हैं? सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और एक है आपका गरियाबंद। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका आदर्श मंडी। आदर्श मंडी क्या होता है इसे ध्यान समझिएगा। आदर्श मंडी, आदर्श का मतलब होता है आइडियल। एक ऐसे जो आपके जो कृषि उपज मंडी है, कृषि उपज मंडी को एक आदर्श मंडी के रूप में विकसित किया जाएगा। आदर्श मंडी का मतलब जो आपके जो कृषि उपज मंडियां होती है, उस कृषि उपज मंडियों में जो किसान जो अपने फसलों को बेचने के लिए आएगा तो उसे एक चबूतरा प्रोवाइड किया जाएगा, सीमेंट का बना हुआ चबूतरा, उसके ऊपर शेड लगे होंगे, वहां पे पेयजल की सुविधा होगी, वहां पे सुलभ शौचालय बने होंगे, साफ सफाई के लिए डस्टबिन लगे होंगे, यानी कि एक सर्व सुविधा युक्त मंडी स्थापित किया जाएगा। यह कहलाता है आपका आदर्श मंडी, यानी कि एक प्रकार से आइडियल आदर्श मंडी स्थापित किया जाएगा जिसमें जो कि एक सर्व सुविधा युक्त मंडी होगा। हमारे प्रदेश में पांच मंडियों को आदर्श मंडी के रूप में विकसित किया जा चुका है। कौन-कौन से हैं ध्यान दीजिएगा, धमतरी, कवर्धा, कुरुद, मुंगेली, राजनांदगांव। धमतरी, कवर्धा, कुरुद, मुंगेली, राजनांदगांव, इन पांच जिलों को आदर्श मंडी के रूप में विकसित किया जा चुका है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका किसान उपभोक्ता बाजार। किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण, किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण, या इसे ही कहा जाता है आपका किसान उपभोक्ता बाजार। नाम से ही स्पष्ट है किसान और उपभोक्ता, किसान और उपभोक्ता। इसका मतलब क्या है कि जो आपका किसान जो है, किसान अगर कोई कृषि उपज उगाता है और उसे बेचता है तो उसे उसकी कृषि उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता, तो इसके लिए हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा ये किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण का कॉन्सेप्ट लाया गया है। इसके तहत क्या है, जगह जगह पर आपके जो आपकी कृषि उपज मंडी है उसे किसान उपभोक्ता बाजार के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका फायदा क्या होगा कि किसान अपने जो कृषि उपज है उसे डायरेक्ट उपभोक्ता को बेच सकेगा। देखिए क्या होता है कि अक्सर क्या होता है, किसान जो खेती करता है तो खेती करने के बाद जब अपने कृषि उपज को बेचना चाहता है तो बीच में जो है आपके जो बिचौलिए, जो मीडिएटर रहते हैं, जो बिचौलिए रहते हैं, वो इनके कृषि उपज को खरीद करके उससे ज्यादा दामों पर उपभोक्ता को बेचते हैं, यानी कि कमीशन लेकर के इस कृषि उपजों को बेचते हैं। तो इसका क्या होता है, इसके कारण क्या होता है कि जो आपके किसान है, किसान को अपने कृषि उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। तो इसके लिए हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा कॉन्सेप्ट लाया गया है आपका कृषि उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण, या इसे ही कहा जाता है आपका किसान उपभोक्ता बाजार। किसान उपभोक्ता बाजार जिसके माध्यम से किसान अपने कृषि उपजों को सीधे उपभोक्ताओं को बेच सकते हैं। देखिए जो हमारे प्रदेश है, प्रदेश में कुल 9 कृषि उपज मंडियों को, कुल 9 कृषि उपज मंडियों को इस किसान उपभोक्ता उपमंडी प्रांगण के रूप में विकसित किए जाने के लिए अधिसूचित किया गया है। ठीक है, विकसित किए जाने के लिए अधिसूचित किया गया है। और इस नौ कृषि उपज मंडियों में से एक है आपका धमतरी। धमतरी में ये ऑलरेडी वर्ष 2017 से प्रारंभ हो चुका है, वर्ष 2017 से प्रारंभ हो चुका है हमारे प्रदेश का पहला किसान उपभोक्ता बाजार वर्ष 2017। बाकी 8 जो आपकी कृषि उपज मंडी है उसमें ये प्रस्तावित है, अभी उसका जो है विकास कार्य चल रहा है। तो देखिए 9 कौन कौन से है, एक तो है आपका धमतरी जो ऑलरेडी प्रारंभ हो चुका है, और दूसरे जो बाकी बचे हुए 8 है, देखिए रायपुर में है आपका 2, एक है आपका नया और एक है आपका पुराना। रायपुर में यानी जो कृषि उपज मंडी है उसे नया कृषि उपज मंडी और पुराना कृषि उपज मंडी के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर प्रस्तावित है एक तो आपका पंडरी है, ठीक। देखिए उसके अलावा है आपका बिलासपुर, राजनांदगांव, बेमेतरा, बैकुंठपुर जो कि कोरिया जिले में है, फिर है आपका बरमकेला और चिखली, दोनों के दोनों आपके रायगढ़ जिले में है। तो यह है आपका टोटल 9। तो आपके 9 कृषि उपज मंडियों को आपका कृषि उपभोक्ता बाजार के रूप में विकसित किए जाने के लिए अधिसूचित किया गया था। इन 9 में से एक ऑलरेडी प्रारंभ हो चुका है वर्ष 2017 में धमतरी में, ठीक।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला। उतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा, हमारे प्रदेश के टोटल 11 मंडियों में आपके मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला खोले गए हैं। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला खोले जाने का उद्देश्य जो आपकी मिट्टी की गुणवत्ता की जाँच करना, यानी कि कौन सी मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है या किसी मिट्टी की आपकी उर्वरक क्षमता कितनी है, इसकी जाँच करने के लिए आपका मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला हमारे प्रदेश के 11 मंडियों में संचालित है। अब 11 मंडी कौन कौन से है, नाम याद कर सकते हो तो कर लीजिएगा। पहले है ट्रिपल बी का मतलब बालोद बेमेतरा बलौदा बाजार, बालोद बेमेतरा बलौदा बाजार। फिर है आपका ट्रिपल आर रायगढ़ रायपुर राजनांदगांव, ट्रिपल आर रायगढ़ रायपुर राजनांदगांव। उसके बाद है आपका महासमुंद दुर्ग और बिलासपुर, महासमुंद दुर्ग बिलासपुर शक्ति जो कि जांजगीर चांपा में है, और एक है आपका रामानुजगंज जो कि आपके बलरामपुर में है। तो टोटल 11 जो आपके मंडियां हैं, इस 11 मंडियों में आपके कृषि मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला संचालित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय कृषि बाजार, या इसे ही कहा जाता है आपका ई नाम, राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई नाम। ये जो आपका ई नाम है ये इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल आधारित एक बाजार है। इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल आधारित बाजार यानी कि इंटरनेट के माध्यम से देश भर में संचालित कृषि उपज मंडियों को जोड़ा जाएगा। इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के माध्यम से देश भर के विभिन्न राज्यों में संचालित 585 कृषि उपज मंडियों को जोड़ा जाएगा। ये है आपका राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई-नाम। ई-नाम आया हुआ प्रश्न है। ई-नाम में ये जो आपका ई है, ई यूज होता है आपके इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के लिए, और नाम NAM नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये आया हुआ प्रश्न है कि ई-नाम किस क्षेत्र से संबंधित है, संचार क्षेत्र से, उद्योग क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र से, शिक्षा क्षेत्र से। तो ई-नाम का संबंध है आपके कृषि क्षेत्र से, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई-नाम। देखिए इसके अंतर्गत क्या है, देखिए ये जो आपका राष्ट्रीय कृषि बाजार है, राष्ट्रीय कृषि बाजार क्यों चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से भारत सरकार देश के 585 कृषि उपज मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक पोर्टलों के माध्यम से जोड़ करके एक मंच उन्हें प्रदान कर रही है। जो किसान अपना कृषि उपज उगाता है और उगाने के पश्चात जब उसे बेचने के लिए जाता है तो बीच में जो आपके मीडिएटर, जो आपके बिचौलिए, जो दलाल रहते हैं, वो इन किसानों से कम कीमत पर कृषि उपज खरीद करके बड़े बड़े व्यापारियों को उससे ज्यादा कीमतों पर बेचते हैं। तो जो किसान इतनी मेहनत करके अपनी कृषि उपज को जो उगाता है उसे बेचने के समय उसे अपनी कृषि उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता। तो इसके लिए भारत सरकार के द्वारा इन किसानों को और बड़े व्यापारियों को एक मंच प्रदान कर रहा है, जिसके तहत किसान डायरेक्टली बड़े व्यापारियों को अपने कृषि उपज को बेच करके अपने कृषि उपज का उचित मूल्य ले सके। देखिए इसमें भारत भर के 585 कृषि उपज मंडियों को जोड़ा जाएगा। इन 585 कृषि उपज मंडियों में से हमारे छत्तीसगढ़ के आपके टोटल 14 कृषि उपज मंडियों को जोड़ा गया है। 14 कृषि उपज मंडी कौन कौन से है ध्यान दीजिएगा। देखिए राजनांदगांव, कवर्धा, कुरुद, नवापारा, भाटापारा, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, धमतरी, जगदलपुर, राजिम, बालोद, मुंगेली और आपका रायगढ़। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। राष्ट्रीय कृषि बाजार या आपका ई नाम, इसके तहत हमारे प्रदेश के 14 कृषि उपज मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के माध्यम से जोड़ा गया है। देखिए इसका फायदा क्या होगा, जैसे कि अगर हम बात करें आपका ये जो आप किसान उपभोक्ता बाजार है, किसान उपभोक्ता बाजार का भी कॉन्सेप्ट सेम है। इसमें किसान अपने कृषि उपज को डायरेक्ट उपभोक्ता को बेचेगा, लेकिन अगर धमतरी में अगर आपका किसान उपभोक्ता बाजार यहां पर संचालित है तो यहां पर किसान अगर अपने कृषि उपज को बेचेगा तो इसके खरीदार कहां से आएंगे। जैसे धमतरी जिला है तो धमतरी जिले में रायपुर से आ सकते हैं, इधर दुर्ग से आ सकते हैं, बालोद से आ सकते हैं, गरियाबंद से आ सकते हैं। तो यहां पे क्या है, इसका क्षेत्र सीमित है, लेकिन ये क्या है, आपका इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर एक चेन बनाया जा रहा है, एक अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान किया जा रहा है किसानों को। इसमें किसान क्या है, अपने कृषि उपज का एक मूल्य इस इंटरनेट में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल में अपने मूल्य को अपलोड कर सकते हैं और अपने जो निर्धारित मूल्य जो वो चाहते हैं उस मूल्य के आधार पर इन्हें व्यापारी भले छत्तीसगढ़ में ना मिले लेकिन आसपास के जो आपके राज्य है, जैसे तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, वहां के व्यापारी भी इनसे इनकी कृषि उपज को खरीद सकते हैं। यानी कि इनके जो आपके जो व्यापार
का जो क्षेत्र है वो बड़ा हो जाएगा। इसमें जो व्यापारी है उन्हें भी उचित मूल्य पर अपना सामान खरीद सकते हैं और किसान जो है उन्हें अपनी कृषि उपज का सही मूल्य मिल जाएगा। हो सकता है कि किसानों को हमारे छत्तीसगढ़ में उचित मूल्य के खरीदार ना मिले, लेकिन अन्य राज्यों में जो आपके व्यापारी है वो इस कृषि उपज को खरीद सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा आपका प्लेटफॉर्म, एक मंच प्रदान किया जा रहा है आपके किसानों और व्यापारी दोनों को। ठीक, तो यह है आपका राष्ट्रीय कृषि बाजार। देखिए, एक प्रश्न ये भी आता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितने कृषि उपज मंडियां हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में आपके 69 कृषि उपज मंडियां मौजूद हैं। हमारे प्रदेश में टोटल आपके 69 कृषि उपज मंडियां मौजूद है। इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अब हम देखेंगे आपके फसल के कुछ आंकड़े हम देखेंगे जो कि आपके वर्ष 2018-19 वित्तीय वर्ष 2018-19 संबंधित है। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल है आपका 137.9 लाख हेक्टेयर। 137.9 लाख हेक्टेयर हमारे प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। देखिए, एक प्रश्न आता है आपका बोया गया क्षेत्रफल जिसके अंतर्गत है, एक है शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल और कुल बोया गया क्षेत्रफल। बोया गया क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? बोया गया मतलब जो कृषि उपज बोया जाता है उसकी बात की जा रही है। बोया गया क्षेत्रफल, देखिए, बोया गया क्षेत्रफल के अंतर्गत दो वर्ड आते हैं, एक रहता है शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल और दूसरा रहता है कुल बोया गया क्षेत्रफल। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल और कुल बोया गया क्षेत्रफल क्या होता है, इसे ध्यान समझिएगा। एक किसान के द्वारा एक फसल वर्ष में उसकी कृषि भूमि पर एक फसल को बोया और सिंचित किया जाता है तो वो कहलाता है आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए, एक किसान के द्वारा एक फसल वर्ष में केवल एक ही फसल को बोया और सिंचित किया जाता है तो वो कहलाता है आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। नेक्स्ट है कुल बोया गया क्षेत्रफल। एक फसल वर्ष में एक किसान के द्वारा उसकी कृषि भूमि पर एक से अधिक बार फसलों को बोया और सिंचित किया जाता है तो वो कहलाएगा आपका कुल सिंचित क्षेत्र। देखिए, अगर इसका एग्जाम्पल ध्यान समझिएगा, मान लीजिए एक किसान के पास एक एकड़ की भूमि है। ठीक है, एक किसान है जिसके पास आपके एक एकड़ भूमि है। अब उस एक एकड़ भूमि में उसने एक साल में, एक फसल वर्ष बोलिए या पूरा एक साल समझ लीजिए, एक साल में उसने अपने एक एकड़ भूमि पर एक बार चावल को बो दिया, चावल को बो करके उसे पका करके चावल की फसल को काट लिया, तो एक वित्तीय वर्ष में उसने केवल चावल की ही फसल को उगाया, यानी कि धान की फसल को उगाया, उसे सिंचित किया, उसे काट लिया, यानी कि एक साल में वो अपने खेत में केवल एक ही फसल को ले रहा है तो वो कहलाएगा आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। अगर वो किसान जो किसान है उसके पास जो एक एकड़ की भूमि है, उस एक एकड़ की भूमि में उसने एक साल में सबसे पहले धान की फसल ली, उसे सिंचित की, फिर उसे काट लिया, फिर उसी साल उसने उस धान के फसल के बाद उसमें चने की फसल लगाई, उसे काट लिया, तो ध्यान दीजिएगा उसका कुल बोया गया क्षेत्रफल हो जाएगा दो एकड़। कैसे? पहले बार उसने जो धान की फसल ली वो एक एकड़ काउंट होगा, उसके बाद जो उसने दूसरी बार जो चने की फसल ली वो दूसरा एक एकड़ काउंट होगा, तो ये कहलाएगा कुल बोया गया क्षेत्रफल। तो उस किसान का कुल बोया गया क्षेत्रफल होगा आपका 2 एकड़। तो ये होता है कि एक फसल वर्ष में एक किसान के द्वारा उसकी कृषि भूमि पर एक ही फसल अगर उगाया और सिंचित किया जाता है तो वो कहलाता है आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्र। और उसी किसान के द्वारा अगर आपके एक फसल वर्ष में एक से अधिक बार फसल को बोया और उसे सिंचित किया जाता है तो वो कहलाता है आपका कुल बोया गया क्षेत्रफल। तो देखिए, हमारे प्रदेश में जो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है वो है आपके 46.8 लाख हेक्टेयर। ठीक है, 46.8 लाख हेक्टेयर जो है ये आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है, जबकि कुल बोया गया क्षेत्रफल है आपका 56.2 लाख हेक्टेयर, यानी कि 56.2 लाख हेक्टेयर आपका कुल बोया गया क्षेत्रफल है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब प्रश्न पूछा जाएगा कि आपका बोया गया क्षेत्रफल यानी कि किस राज्य में जो है आपका बोया गया क्षेत्रफल सर्वाधिक है, शुद्ध पूछे या कुल पूछे। बोया गया क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक जो आपका क्षेत्रफल जो बोया जाता है वो बोया जाता है आपके राजनांदगांव जिले में, जबकि सबसे कम बोया जाता है आपके नारायणपुर जिले में। इसको भी याद रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। राजनांदगांव जिला जो कि क्षेत्रफल के
आधार पर हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, तो यहाँ एरिया वाइज बड़ा है तो यहाँ पर बोया गया क्षेत्रफल भी बड़ा होगा। नारायणपुर जो कि आपके एरिया वाइज तो उतना छोटा नहीं है, लेकिन ये क्या है, दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल वाला क्षेत्र है, तो ये जो आपका दुर्गम क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर जो है आपका न्यूनतम, यहाँ पे बोया गया क्षेत्रफल न्यूनतम है, क्योंकि यहाँ पे वन आपका जो वन क्षेत्र है वो आपका सर्वाधिक है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, शुद्ध पूछे या कुल पूछे, शुद्ध या कुल बोया गया क्षेत्रफल सर्वाधिक है आपके राजनांदगांव जिले में और न्यूनतम है आपके नारायणपुर जिले में। नेक्स्ट देखिए, अब हम देखेंगे प्रमुख फसलों के अंतर्गत क्षेत्र, प्रमुख फसलों के अंतर्गत क्षेत्र यानी कि उनका रकबा, कितने क्षेत्रफल पर उन्हें बोया गया। देखिए हमारे प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया गया आपका धान, हमारे प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया गया धान, धान के बाद बोया गया चना, चना के बाद बोया गया आपका लाख या तिवड़ा, उसके बाद बोया गया मक्का और मक्का के बाद है आपका गेहूं। देखिए हमारे प्रदेश में लगभग 4,140 हजार हेक्टेयर में आपका धान बोया गया था, चना जो कि 330 हजार हेक्टेयर में आपका चना बोया गया था, लाख या तिवड़ा जो कि 177 हजार हेक्टेयर में बोया गया था, मक्का जो कि 118 हजार हेक्टेयर में बोया गया था, यानी कि हमारे प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में बोया गया था आपका धान। प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी एक कृषि उपज का रकबा सर्वाधिक है, यानी कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उसे बोया गया, तो वो है आपका धान, इसलिए हमारे प्रदेश को धान का कटोरा भी कहते हैं, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में धान की पैदावार सर्वाधिक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम देखेंगे प्रमुख फसलों का उत्पादन, ये तो हमने बोल लिया उसका रकबा है, अब उत्पादन किसका, किस उपज का सर्वाधिक है उसे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले है आपका धान, धान के बाद अगला जो उत्पादन होता है चने का, चने के बाद है गेहूं, गेहूं के बाद है आपका मक्का, मक्का के बाद है आपका तिवड़ा। हमारे यहां जो प्रमुख फसल है उस प्रमुख फसलों में से सर्वाधिक उत्पादन होता है धान का, धान का लगभग 9,762 हजार मैट्रिक टन आपका धान का उत्पादन होता है, 680 हजार मैट्रिक टन चने का उत्पादन होता है, 446 हजार मैट्रिक टन गेहूं का उत्पादन होता है, 303 हजार मैट्रिक टन आपके मक्के का उत्पादन होता है। तो देखिए हमारे प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादित होने वाला फसल कौन सा है पूछा जाए, तो वो है आपका धान। ठीक, इस सीक्वेंस को भी याद रखिएगा, कई बार प्रश्न क्या पूछा जाता है कि हमारे प्रदेश में धान के बाद सर्वाधिक उत्पादित होने वाला प्रमुख फसल कौन सा है, वो है आपका चना। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को पूरा याद रखना है, धान, धान के बाद है आपका चना। देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे प्रदेश में सर्वाधिक, हमारे प्रदेश के जो आपके सर्वाधिक क्षेत्र में किस फसल का रकबा सर्वाधिक है। अगर हम देखेंगे आपके अनाज, अनाज यानी कि खाद्यान्न में अगर हम देखें तो सर्वाधिक किस अनाज का रकबा सर्वाधिक है पूछा जाए, तो अनाज में आएगा आपका धान। ठीक है, अनाज में आएगा आपका धान। उसके बाद है आपका दलहन फसल की बात किया जाए, तो दलहन फसल यानी कि जैसे दाल निकलता है, दाल मतलब आपका जैसे चना हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, इस सभी से आपके दाल बनते हैं। तो देखिए दलहन की अगर बात की जाए तो हमारे प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादित होने वाला जो सर्वाधिक क्षेत्र में बोया जाने वाला यानी कि सर्वाधिक रकबा वाला जो आपका दलहन फसल है वो है आपका चना। तिलहन फसल यानी कि जिसको पीस करके तेल निकाला जाता है यानी कि तिल हो गया मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, इन सबसे आपका तेल निकलते हैं। तो तिलहन फसल हमारे प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पे बोया जाने वाला तिलहन फसल या सर्वाधिक रकबा वाला तिलहन फसल कौन सा है पूछा जाए, तो वो है आपका सोयाबीन। ठीक, तो ये तो है आपका रकबा। अब बात किया जा रहा है उत्पादन का, सर्वाधिक उत्पादन यानी कि किस अनाज का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो वो है आपका धान। किस दलहन फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो वो है आपका चना। और किस तिलहन फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो वो है मूंगफली। ध्यान दीजिएगा, रकबा सर्वाधिक तिलहन किसका है, सोयाबीन का, और उत्पादन किस तिलहन का है, आपके मूंगफली का। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोया जाता है आपका सोयाबीन, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन होता है आपके मूंगफली तिलहन फसल का। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। एक प्रश्न और घुमाता है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे प्रदेश में निम्न में से किस खरीफ फसल का उत्पादन या रकबा सर्वाधिक है, तो ध्यान दीजिएगा वो है आपका धान। धान जो कि खरीफ फसल है, और धान का उत्पादन और रकबा दोनों सर्वाधिक है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से किस रबी फसल का, पहले खरीफ था अब पूछ रहा है रबी, निम्न में से किस रबी फसल का उत्पादन या रकबा सर्वाधिक है, तो ध्यान दीजिएगा रबी में आता है आपका चना, और चना का उत्पादन और रकबा दोनों सर्वाधिक है। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है आपके उद्यान की फसल का रकबा एवं उत्पादन। उद्यान की फसल के अंतर्गत आपके सब्जी, फल, औषधि वाले पुष्प, मसाला, ये सभी के सभी आपके उद्यान की यानी कि बागवानी फसल के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, हमारे प्रदेश में आपका सर्वाधिक रकबा और उत्पादन वाला उद्यान की फसल है आपका सब्जी। ठीक है, ये आया हुआ प्रश्न है। सब्जियों का उत्पादन और रकबा सर्वाधिक होता है, यानी कि जो सब्जी जो उद्यान की फसल है उसमें सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन और रकबा यानी कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम देखेंगे आपके जल संसाधन एवं सिंचाई। जल संसाधन एवं सिंचाई ध्यान समझिएगा, हमारे प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल है आपका 137.9 लाख हेक्टेयर, यानी कि 137.9 लाख हेक्टेयर भूमि जो है ये हमारे प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। देखिए, प्रदेश की कुल सृजित सिंचाई क्षमता है हमारे प्रदेश की, वो है आपके 20.99 लाख हेक्टेयर। 20.99 लाख हेक्टेयर हमारे प्रदेश की कुल सृजित सिंचाई क्षमता है। देखिए क्या कहा जा रहा है, कुल सृजित सिंचाई क्षमता। सृजित सिंचाई क्षमता का मतलब हमारे द्वारा बनाए गए सिंचाई के संसाधन। देखिए, सिंचाई के बहुत सारे स्रोत होते हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख स्रोत है आपका वर्षा यानी कि बारिश का पानी। यहां बात हो रही है आपकी कुल सृजित सिंचाई क्षमता। सृजित का मतलब हमारे द्वारा बनाया गया आपके संसाधन, उनकी बात की जा रही है आपकी सिंचाई, सृजित सिंचाई क्षमता। सृजित सिंचाई के अंतर्गत जैसे कि आपके जलाशय हो गए, जो बड़े-बड़े डैम हो गए, एनीकट हो गए, नहरें हो गए, ये सभी के सभी कहलाते हैं आपके सृजित सिंचाई के संसाधन। तो वही कहा जा रहा है कि प्रदेश की कुल सृजित सिंचाई क्षमता कितनी है। मार्च 2019 तक की स्थिति में हमारे प्रदेश की कुल सृजित सिंचाई क्षमता है आपका 20.99 लाख हेक्टेयर, 20.99 लाख हेक्टेयर। देखिए, हमारे प्रदेश में कुल कितनी, मतलब जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उन सिंचाई परियोजनाओं पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, निर्मित हमारे प्रदेश में 8 वृहद, 37 मध्यम, 2395 लघु सिंचाई परियोजनाएं संचालित है और आपके 718 एनिकट निर्मित है। देखिए, ये तो बड़े बेतुका सा लगता है पढ़ने के लिए, लेकिन व्यापम में आया हुआ है, बहुत बेकार प्रश्न है लेकिन व्यापम में पूछा गया है तो इसलिए इसको याद रखना है। देखिए, सिंचाई परियोजना हमारे प्रदेश में 8 वृहद, 37 मध्यम, 2395 लघु सिंचाई परियोजना निर्मित है और उसके साथ साथ 718 छोटे छोटे एनिकट बने हुए हैं। नेक्स्ट है आपका निर्माणाधीन, ये तो बने हुए हैं और कुछ जो है जिनके कार्य प्रगति पर है, वो है आपके 4 वृहद, 1 मध्यम, 669 लघु सिंचाई परियोजना निर्माणाधीन है और उसके अलावा आपके 145 एनिकट निर्माणाधीन है, इसको याद रखिएगा। और ऐसा प्रश्न आया हुआ है आपके व्यापम में तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, सिंचाई संसाधनों से सिंचित क्षेत्र। सिंचाई संसाधनों से सिंचित क्षेत्र का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है, वर्षा जल। ठीक, और उसके अलावा जो हम हमारे द्वारा जो निर्मित संसाधन है, निर्मित संसाधन का मतलब जैसे जलाशय हो गए, नहरें हो गए, नलकूप हो गए, कुएं हो गए, तालाब हो गए, ये हमारे द्वारा सृजित सिंचाई के संसाधन है। तो देखिए, हमारे प्रदेश में जो आपका 36% जो क्षेत्र है वो सिंचाई संसाधनों के माध्यम से सिंचित क्षेत्र है। ठीक, हमारे प्रदेश के कुल सिंचित क्षेत्र में से 36% क्षेत्र सिंचित आपके सिंचाई संसाधनों के माध्यम से, सिंचाई संसाधन के माध्यम से यानी कि आपके नहरें, जलाशय, एनीकट, कुएं, तालाब, नलकूप, इसके माध्यम से 36% क्षेत्र जो है ये सिंचित क्षेत्र है। जबकि हमारे पूरे प्रदेश में जो आपका सिंचाई का जो मुख्य साधन है वो है आपका वर्षा यानी कि आपका बारिश का पानी, जबकि सिंचाई संसाधनों के माध्यम से सिंचित क्षेत्र का जो प्रतिशत है वो है आपका 36%। प्रश्न पूछा जाएगा कि सिंचाई संसाधनों के माध्यम से प्रदेश का कितना क्षेत्र सिंचित होता है, तो वो है आपका 36%। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, अब बात हो रही है आपकी शुद्ध सिंचित क्षेत्र और कुल सिंचित क्षेत्र की। शुद्ध और कुल क्या होता है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर एक किसान के द्वारा एक फसल वर्ष में एक फसल को बो करके उसे सिंचित किया जाता है, ठीक है, एक किसान के द्वारा एक फसल वर्ष में एक फसल को बो करके उसे सिंचित किया जाता है तो वो कहलाएगा आपका शुद्ध सिंचित क्षेत्र। नेक्स्ट है, एक किसान के द्वारा एक फसल वर्ष में एक से अधिक फसलों को बो करके उसे सिंचित किया जाता है तो वो कहलाएगा आपका कुल सिंचित क्षेत्र। यानी कि एक किसान ने एक साल में केवल धान की फसल बोई और उसे बो करके उसे सिंचित किया, उसके अलावा उस साल उसने कोई और कृषि उपज नहीं लगाया, तो वो कहलाएगा आपका शुद्ध सिंचित क्षेत्र। कुल सिंचित क्षेत्र, इस कुल सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत किसान ने एक फसल वर्ष में पहले आपका धान का फसल लगाया, उसे सिंचित किया, उसके बाद धान की फसल को काट कर उसमें चना का
फसल लगाया, उसे सिंचित किया, तो यहां पर किसान क्या है, दो बार अपने भूमि को सिंचित कर रहा है, तो वो काउंट होगा आपके कुल सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत। तो देखिए हमारे प्रदेश में जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र है वो है आपके 15.6 लाख हेक्टेयर, 15.6 लाख हेक्टेयर जो है यह शुद्ध सिंचित क्षेत्र है। कुल सिंचित क्षेत्र है आपका 20 लाख हेक्टेयर, इंपॉर्टेंट है इसे भी याद रखिएगा, शुद्ध सिंचित क्षेत्र 15.6 लाख हेक्टेयर, कुल सिंचित क्षेत्र है आपका 20 लाख हेक्टेयर। एक प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, हमारे प्रदेश में सिंचाई का सबसे उपयुक्त संसाधन कौन है, ठीक है, यानी कि सर्वाधिक सिंचाई किस सिंचाई संसाधन के माध्यम से होती है, तो ध्यान दीजिएगा नहरें एवं जलाशय के माध्यम से हमारे प्रदेश में लगभग 52% सिंचाई होती है। देखिए जैसे कि मैंने बताया आपको कि सिंचाई के बहुत सारे संसाधन है, नहरें हैं, जलाशय है, नलकूप है, कुएं है, तालाब है, नहरें हैं, तो ये जो सभी के सभी क्या है, ये आपके सिंचाई के संसाधन है। तो इन सभी सिंचाई संसाधनों में से सर्वाधिक सिंचाई के लिए उपयोग होने वाला संसाधन है आपके नहरें एवं जलाशय, जिससे लगभग आपके 52% इनके माध्यम से सिंचाई किया जाता है। उसके बाद है आपका नलकूप, नलकूप के माध्यम से 29% सिंचाई किया जाता है, और ये नलकूप आया हुआ प्रश्न है लास्ट ईयर, ठीक है। प्रश्न पूछा गया था कि प्रदेश में प्रयोग में लाए जाने वाले सिंचाई संसाधनों में से कितना प्रतिशत जो आपका नलकूपों के माध्यम से सिंचित किया जाता है, तो वो है 29%। प्रदेश में प्रयुक्त होने वाले सिंचाई संसाधनों में से 29% जो है वो नलकूपों के माध्यम से सिंचित किया जाता है, और ये प्रश्न आया है, तो दोनों को याद रखिएगा, नहरें और जलाशयों के माध्यम से 52%, नलकूप के माध्यम से 29%। नेक्स्ट देखिए सिंचित जिला, ठीक है, सिंचित जिला यानी कि सिंचाई संसाधनों के माध्यम से सिंचित जिला, सर्वाधिक है आपका जांजगीर चांपा और न्यूनतम है आपका नारायणपुर, यानी कि जो आपके सिंचाई के जो संसाधन है, सिंचाई के संसाधनों के माध्यम से सर्वाधिक क्षेत्र जो सिंचित होता है वो होता है जांजगीर चांपा जिले में, और सबसे कम होता है नारायणपुर जिले में। ये क्षेत्रफल के आधार पर है, परसेंटेज आधार पर देखेंगे तो परसेंटेज के आधार पर सर्वाधिक रायपुर हो जाता है, क्योंकि रायपुर डेवलप्ड है, वहां पे सिंचाई के बहुत सारे संसाधन है, वहां पे तो आधे से ज्यादा आपके नलकूप खोदे हुए हैं, और सबसे कम अगर देखे जाएंगे तो वो है आपके दंतेवाड़ा, ठीक, परसेंटेज के आधार पर अलग है, लेकिन आपको क्षेत्रफल के आधार पर याद करना है। देखिए क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक है जांजगीर चांपा, और सबसे न्यूनतम है आपका नारायणपुर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हमारे प्रदेश की 3 परियोजनाओं को शामिल किया गया है, इंपॉर्टेंट है इनके नाम याद रखिएगा, केलो परियोजना, खारंग परियोजना, मनियारी परियोजना। प्रश्न पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी एक परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल नहीं है, तो उसमें से ये 3 ऑप्शन देगा और एक किसी और कोई दूसरी परियोजना का नाम दे देगा। तो देखिए केलो, खारंग, मनियारी, इन तीनों का नाम याद रखना है, केलो परियोजना, खारंग परियोजना और मनियारी परियोजना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पशु एवं मत्स्य पालन यानी कि पशुपालन और मछली पालन। इधर हम पशु से संबंधित डाटा देखेंगे और इधर हम मछली पालन से संबंधित डाटा। देखिए पशुपालन, इस पशुपालन का GSDP में आकार है 375,670 लाख रुपए, ठीक है, 375,670, 375,670 लाख रुपए, यानी कि हमारे प्रदेश का जो GDP का आकार है वो है आपका 243,476 करोड़ रुपए, तो उस 243,476 करोड़ रुपए में से 375,670 लाख रुपए पशुपालन की हिस्सेदारी है, जो कि प्रदेश के कुल GDP के आकार का 1.63% है, इसको याद रखना है, ये आता है 1.63% है। देखिए इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, प्रदेश में जो है आपकी 2 स्थान पर बकरी प्रजनन केंद्र संचालित है, एक है आपका सरोरा रायपुर, दूसरा है रामपुर या ठाठापुर कवर्धा, नाम याद रखना है, ये भी प्रश्न आता है। इसके अलावा सुकर प्रजनन केंद्र जो कि 2 जिले में संचालित है, एक है सकोला सरगुजा, दूसरा है आपका परचनपाल बस्तर, और तीसरा प्रस्तावित है वो है आपके कुनकुरी जशपुर में, इस प्रस्तावित वाले को याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। जो आपके प्रस्तावित सुकर प्रजनन केंद्र किस जिले में है, आपके जशपुर जिले के कुनकुरी में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मत्स्य पालन जिसका GDP का आकार है 476,239 लाख रुपए, 476,239 लाख रुपए, यानी कि जो हमारे GDP का आकार है, छत्तीसगढ़ के GDP का आकार है 243,476 करोड़ रुपए, तो इस 243,476 करोड़ रुपए में से आपके 476
39 लाख रुपए आपके मत्स्य पालन की भागीदारी है, जो कि कुल जीडीपी के आकार का, प्रदेश के कुल जीडीपी के आकार का आपका 2.08% है। कई जगह आपके 2.07 दिया, 2.08 दिया है, तो 2.08 याद रखिएगा, जो कि कुल जीडीपी के आकार का आपका 2.08% है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। देखिए जो जीडीपी का आकार है, ये जो आपका जीडीपी है, ये आपके वित्तीय वर्ष 2019-20 का है, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2019-20 का है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कुल उपलब्ध जल क्षेत्र। कुल उपलब्ध जल क्षेत्र, हमारे प्रदेश में जो आपके जल क्षेत्र मौजूद है, जल क्षेत्र का मतलब पानी भरा हुआ स्थान, जल क्षेत्र, हमारे प्रदेश में आपके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 1.837 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आपका जल क्षेत्र है, यानी कि पानी का भराव, पानी का जमाव है। हमारे प्रदेश के कुल क्षेत्र में से आपका 1.837 लाख हेक्टेयर पर आपका जल क्षेत्र है, ठीक है, यहां बात हो रही है जल क्षेत्र की। अब देखिए, ध्यान समझिएगा, इस 1.837 लाख हेक्टेयर में से आपका 1.739 लाख हेक्टेयर पर आपका मछली पालन किया जा रहा है। जल क्षेत्र कितना है, 1.837 लाख हेक्टेयर। तो इस 1.837 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र में से आपका 1.739 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र का उपयोग मछली पालन के लिए किया जा रहा है, जो कि कुल जल क्षेत्र का 94.66% है। कुल जल क्षेत्र के 94.66% क्षेत्र में आपका मत्स्य पालन किया जा रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रदेश के कुल जल क्षेत्र का आपका 94.66% जल क्षेत्र में आपका मछली पालन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, मत्स्य उत्पादन, हमारे प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-20 में, प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 2.90 लाख मैट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ। 2.90 लाख मैट्रिक टन मत्स्य उत्पादन, यानी कि आपका मछली का उत्पादन हुआ वित्तीय वर्ष 2019-20 में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और मछली उत्पादन के मामले में हमारा प्रदेश देश में 6वें स्थान पर है, ठीक है, मत्स्य उत्पादन के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ देश में 6वें स्थान पर है। तो ये है आपका पूरा का पूरा कृषि एवं संबद्ध सेवाएं, इनको याद रखिएगा, डाटा इंपॉर्टेंट है, प्री में भी काम आएंगे, मेंस में भी काम आएंगे, मेंस में आंसर राइटिंग में आपको ये सारे डाटा काम आएंगे, ठीक। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।